बाबे ने लंबा सा सांस लिया और बोला, काका तुम चाहते क्या हो? मैंने अर्ज किया कि वाकई आपको सोना बनाना आता है? बाबे ने खाली खाली आंखों से मुझे देखा और कहा, हां मैंने जवानी में ये हुनर सीखा था। मैंने अर्ज किया कि क्या आप मुझे ये नुस्खा सिखा सकते हैं? बाबे ने मेरी तरफ घूर के देखा और कहा कि तुम ये सीख के क्या करोगे? मैंने अर्ज किया, मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। बाबे ने जोरदार कहका लगाया और काफी देर तक हंसता रहा। जब वो हंसते हंसते थक गया तो बोला, तुम दौलतमंद होकर क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं दुनिया भर की नेमतें हासिल करूंगा। बाबे ने कहा कि चलो ये नेमतें तुम्हें हासिल भी हो गई तो फिर क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं खुश होऊंगा और मुझे सुकून मिलेगा। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, गोया तुम्हें सोना और दौलत नहीं सुकून चाहिए। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा और काफी देर तक खामोश घूरता रहा। बाबे ने मुझे झंझोड़ा और कहा, दरअसल तुम सुकून और खुशी की तलाश में यहां आए हो। मैं उस वक्त क्योंकि एक नौजवान था और बाकी नौजवानों की तरह यही समझता था कि दौलत ही सुकून और खुशी हासिल करने का जरिया है, लेकिन बाबे की बातों ने मुझे कुछ उलझा सा दिया था। इसी उलझन में मैंने हां कर दी। बाबे ने एक लंबा कहका लगाया और फिर देर तक हंसता रहा और कहा, काका मैं तुम्हें सोना बनाने के बजाय इंसान से बंदा बनाने का तरीका क्यों ना सिखा दूं? मैं तुम्हें दौलतमंद होने के बजाय पुरसुकून और खुश रहने का गुर क्यों ना सिखा दूं? मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, हालांकि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में बाबा बोला, इंसान की ख्वाहिशें जब उसके वजूद और उम्र से लंबी रहती हैं, वो उस वक्त तक इंसान रहता है। तुम अपनी ख्वाहिशों को अपनी उम्र और वजूद से छोटा कर लो, तुम सुकून भी पा जाओगे और खुशी भी। और जब तुम खुशी और सुकून पा जाओगे तो तुम इंसान से बंदा बन जाओगे। मुझे बाबे की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी और बाबे ने मेरी ये परेशानी भांप ली थी। बाबा बोला, तुम कुरान शरीफ पढ़ो, अल्लाह ताला ने ख्वाहिशों में लुथड़े हुए लोगों को इंसान कहा है और मोहब्बत में रंगे हुए आजाद लोगों को बंदा। दुनिया में कितने इंसान आए और बहुत दौलत कमाई, बड़ी इमारतें बनाई, क्या वो सब साथ ले गए थे? क्या सब वो खुश थे? तुम भी क्या खुश हो? फिर बाबा खुद ही बोला, नहीं, जब तक तुम तांबे से सोना बनाने के चक्कर में और खप में मुब्तला रहोगे, उस वक्त तक खुशी से दूर भागते रहोगे और भटकते रहोगे। फिर बाबे ने एक छोटी सी टहनी से जमीन पे रगड़ना शुरू किया और कहा, लो मैं तुमको इंसान से बंदा बनाने का नुस्खा बताता हूं। अपनी ख्वाहिशों को अपने कदमों से आगे निकलने ना दो, जो मिल गया उस पर शुक्र करो, जो छिन गया उस पर अफसोस मत करो, जो मांगे उसे दे दो, जो भूल जाए उसे भूल जाओ। दुनिया में बेसामान आए थे और बेसामान ही वापस जाओगे, सामान जमा करने की फिक्र ना करो। जिसे खुदा ढील दे रहा है उसका कभी एहतसाब मत करो, बिला जरूरत सच भी फसाद होता है। जो पूछे तो सच बोलो, जो ना पूछे तो खामोश रहो। देने में खुशी है और वसूल करने में गम। दौलत को रोकोगे तो खुद भी रुक जाओगे, चोरों में रहोगे तो चोर हो जाओगे। अल्लाह राजी रहेगा तो जग राजी रहेगा, वो नाराज होगा तो नेमतों से खुशियां उड़ जाएंगी। जब तुम अजीजों रिश्तेदारों औलादों से चिढ़ने लगो तो समझ लो अल्लाह तुमसे नाराज है। जिनसे तुम्हें नुकसान पहुंचा हो और मजीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो,
उनसे किनारा कशी कर लो, उनसे बदला लेने की फिक्र ना करो, क्योंकि सबसे अच्छा बदला अल्लाह का है। जब तुम अपने दुश्मनों के लिए अपने दिल में रहम महसूस करो तो समझ लो तुम्हारा खालिक तुमसे राजी है। हिजरत करने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। बाबे ने फिर मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, जाओ, बस एक चीज का ध्यान रखना, कभी किसी को खुद से नहीं छोड़ना, दूसरों को फैसला करने का मौका देना, यह अल्लाह की सुन्नत है। उसने कभी अपनी मखलूक को तनहा नहीं छोड़ा, मखलूक अल्लाह को छोड़ती है। और ध्यान रखना, जो जा रहा हो उसे जाने देना, जो वापस आ रहा हो उसके लिए अपना दरवाजा कभी बंद ना करना, यह भी अल्लाह की आदत है। वो वापस आने वालों के लिए अपना दरवाजा हमेशा खुला रखता है। तुम ये करते रहना, तुम्हारे दरवाजे पे हमेशा मेला लगा रहेगा। ये इक्तबास है जिसके मुसन्निफ से मैं बिल्कुल नाबलद हूं, लेकिन इसका उन्वान था कीमियागर। अल्लाह ताला हम सबको इंसान के बजाय बंदा बना दे। आमीन।